हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बाई ज्योति का सुरेलिया। और जैसा कि मैंने आपके लिए रोज़ करंट अफेयर्स की वीडियो डालनी स्टार्ट की है, और आज है 11 जनवरी, तो आज का पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का। चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स का पहला आपका करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, आप हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका राष्ट्रीय हिंदी विश्व हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। और दस और आपका पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? आपका पहला हिंदी दिवस मनाया गया था दोस्तों आपका 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आपका पहला हिंदी दिवस मनाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आपका करंट अफेयर का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में कहाँ पर नया मिल्क प्लांट हाल ही में हरियाणा में कहाँ पर नया मिल्क मिल्क प्लांट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई दोस्तों आपके दक्षिणी हरियाणा में नया मिल्क प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। दक्षिणी हरियाणा में दोस्तों खासकर अहिरवाल बेल्ट में जैसे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ इस इलाके में आपकी मिल्क प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में किसकी तर्ज पर विधानसभा में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का चुनाव किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपकी लोकसभा में जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ सांसद का चुना जाता है, उसी प्रकार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसके लिए भी एक घोषणा की है कि लोकसभा की तरह पर विधानसभा में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का विधायक चुना जाएगा। आगे देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल के सदस्य रहे किस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये दोस्तों आपके जस्टिस दिलीप बी भोसले ने अपने पद से सावधानिक रूप से इस्तीफा दिया है। और दोस्तों इन्होंने अपने इस्तीफे का कारण अपने निजी कारणों को बताया है। आगे देखिए आप दोस्तों, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में सुरक्षा कमान को संभालने के लिए अब प्रदेश में नया क्या बना दिया? तो अब प्रदेश में पुलिस में ही साइबर एक्सपर्ट बैच बनाया जाएगा, जो जो दोस्तों हरियाणा प्रदेश में सुरक्षा कमान की जिम्मेदारी लेगा और इसे संभालेगा। आगे देखिए आपका सिक्स क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर सैन्य स्टेशन में किस नए हब का उद्घाटन किया गया? दोस्तों आपके अर्जुन हब का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए आपका सेवंथ क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी कितने परसेंट रहने का अनुमान है? तो ये दोस्तों 5% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने। और हाल ही में भारत की सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी भारत की जीडीपी 5% रहने की अनुमान लगाया गया है। दोस्तों आगे देखिए आपका एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों आपके 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और पहला प्रवासी दिवस भारतीय दिवस दोस्तों आपका ये प्रवासी दिवस आपका इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उनके आने के अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और हर साल प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए आपके करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री दो दिवस की भारत की यात्रा पर आए? तो ये दोस्तों आपके श्रीलंका के विदेश मंत्री दो दिन की भारत की विदेश यात्रा पर आए हैं।
तो ये दोस्तों आपके श्रीलंका के विदेश मंत्री 2 दिवस की भारत की विदेश यात्रा पर आए, और श्रीलंका का प्राचीन नाम दोस्तों सिलोन था। आगे देखिए आपका 10th नंबर का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टल चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टल चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता? तो ये दोस्तों जीता आपके जसविंदर बिलान ने। आपका ब्रिटिश का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड्स जीता है। आगे देखिए आपका 11th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में नाडा ने वेट लिफ्टर सरबजीत पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में नाडा ने वेट लिफ्टर सरबजीत पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो ये दोस्तों आपके नाडा ने सरबजीत पर दोस्तों 4 साल का प्रतिबंध लगाया। और नाडा क्या है दोस्तों? नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा दोस्तों भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी है। जिस प्रकार नेशनल के लिए नाडा है, उसी प्रकार वर्ल्ड के लिए वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और दोस्तों भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी ने वेट लिफ्टर सरबजीत पर 4 साल का बैन लगाया। आगे देखिए आपका 12th क्वेश्चन है हरियाणा 12th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में किस राज्य के आयुर्वेद विश्वविद्यालय हाल ही में किस राज्य के आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया? तो ये दोस्तों आपके गुजरात राज्य के आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। और ये आपके गांधी ये आपके गुजरात के और ये आपके गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। और गुजरात के सीएम दोस्तों आपके विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत थे। ये हैं दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की वीडियोज़ को वॉच कीजिए। और ज़्यादा और हमारे टेलीग्राम चैनल SSC टारगेट SSC को ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आपके लिए डेली न्यूज़पेपर्स और PDF प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। गुड बाय फ्रेंड्स।